हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग बात करेंगे बैल पोला की। मैं आपको कहानी बताऊंगी कि बैल पोला जो है ये ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोगों में, कर्नाटका में और फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और जो मेन हम लोगों के जो फार्मर्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ ये तो हमें नहीं पता, और इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी भी है जो मुझे पता चली है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो हम सबको पता है जो कृष्ण भगवान थे तो उनके पीछे जो है उनके अंकल कंस जो थे उन्हें उनका वध करना था, उन्हें मारना था, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण भगवान के हाथों से ही जो है वो मरने वाले, उनका वध होने वाला है। तो कृष्ण भगवान को मारने के लिए जो है वो काफी सारे राक्षस अलग अलग तरह के उनके पीछे भेजते रहते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि पोलासुर नामक एक राक्षस था, तो उनको जो है कृष्ण भगवान के पास कंस ने भेज दिया, और उसी दिन जो है उन दोनों में बड़ी लड़ाई हुई कृष्ण भगवान और पोलासुर में। तो इसमें जो है ऑब्वियसली कृष्ण भगवान ने जो है वो पोलासुर का वध कर दिया। तो जिस दिन पोलासुर का कृष्ण भगवान ने अंत किया था वो दिन अमावस्या का था, और भाद्रपद जो महीना है वो चालू हो गया था। तो जैसे कि हमें पता है कल आखिरी वाला महाराष्ट्रीयन लोगों का श्रावण सोमवार जो है वो खत्म हुआ, और आज से जो है भाद्रपद महीना स्टार्ट हो गया है। तो श्रावण महीने में जो लोग मांस मच्छी मटन वगैरह चिकन ये नहीं खाते, तो अभी जो है गणपति के पहले 10 दिन उनको टाइम मिल जाता है। तो जिन्हें खाना होता है वो डेफिनेटली आज से जो है शुरुआत कर देते हैं खाने के लिए। तो आज भी जो है वो अमावस्या है। आज के दिन अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्काई की तरफ तो आपको एकदम दिखेगा काफी धूल से ऐसे नजर आती है, क्योंकि आसमान में चांद नहीं होता है। और आप देख सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो खींची थी रात में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पूरे आसमान में जो है पूरे क्लाउड्स वगैरह ऐसे वाइट वाइट पूरे दिख रहे हैं। आज के दिन फार्मर्स लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन जो भी फार्मर्स हैं उनके पास बैल होते हैं तो उनकी वो लोग जो है वो पूजा करते हैं। आज के दिन बैलों को जो है वो पूरी तरह से आराम दिया जाता है। एक्चुअली ये 2-3 दिन पोले के स्टार्ट होने के पहले ही कर दिया जाता है, तो फार्मर्स लोग जो है वो बैल को पूरा पूरा आराम देते हैं। उनको जो है नदी किनारे ले जाके बहुत अच्छे से उनको नहलाते हैं। कोई कोई लोग जो है वो टर्मरिक लेते हैं, वो पूरा लेके जो है उनको अच्छे से धोते हैं वगैरह। तो सबके एक अलग अलग अपना तरीका होता है। फिर बाद में उसको धुलाने के बाद उनके सिंग पे जो है वो पेंट करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी शॉल्स वगैरह या फिर जो भी वस्त्र वगैरह हैं उनके पास अपने अपने हिसाब से वो डालते हैं, उनके पैरों में घुंघरू लगाते हैं, सिंगों में घुंघरू लगाते हैं। तो जिस तरह से अपने हिसाब से वो जैसे उस दिन अपने बैलों को जो है रेडी कर सके वैसे उनको वो रेडी करते हैं। काफी साल पहले ऐसा होता था कि जो छोटे बच्चे रहते थे तो वो बैल जोड़ी बनाते थे, मराठी में उसको बैल जोड़ी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लकड़े के वो ऐसे बैल बनाते थे, उसकी गाड़ी बनाते थे, उसको डोरी टाई करके एक थ्रेड टाई करके जो है वो पूरा कॉलोनी में उसको घुमाते थे, हर जगह पे जाते थे, और फिर सबसे जो है मतलब वो दिखा के फिर उनसे जो भी मिलता था तो वो उस चीज़ को कलेक्ट करते थे। काफ़ी बार जगहों पर नहीं तो मंदिरों पर जो है उस चीज़ की कॉम्पिटिशन भी होती थी कि किसकी बैल जोड़ी जो है वो किसकी ज़्यादा अच्छी, किसकी ज़्यादा सुंदर है, किसने ज़्यादा उसको अच्छे से सजाया है। और बच्चे बड़ा तभी खुश भी होते थे। अभी आई गेस थोड़ा विलेज साइड में अभी भी वो चलता होगा, बट सिटीज़ में अभी वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। पहले ऐसे भी होता था कि जो भी जितने फार्मर्स लोग थे तो अपने अपने बैलों को सजा धजा के जो है वो पूरा घुमाने लेके जाते थे, जहाँ पे जो है लोग बाहर आके बैलों की पूजा करते थे, उनको जो नैवेद्य चढ़ता है उस दिन। तो नैवेद्य का महत्व ये है कि उस दिन वो पूरनपोली बनाते हैं, कोई खीर बनाता है, कुछ मीठे में बासुंदी बनती है। तो ये भी अभी सबका अलग अलग तरीका है, तो जिसको जो नैवेद्य जैसे दिखाना है। फिर भाकरी की भी स्पेशलिटी है, भाकरी भी बनाते हैं। तो ऐसे सारा सब नैवेद्य बना के जो है वो पूजा करने के बाद दिखा के वो बैलों की पूजा होने के बाद उनको वो खिला देते हैं। तो इस तरह जो है बैल का पेट भी भर जाता है।
काफी लोग जो है वो आजकल मिट्टी के बैल बनाते हैं। कई सारे गांव में क्या होता है कि सारे सभी अपना अपना बैल लेके आते हैं और बैलों में जो है वो रेसिंग होती है, शर्यत लगती है कि किसकी बैल जो है वो सबसे पहले आती है। इसमें किसी का कोई कौन जीता कौन हारा वगैरह ये चीज़ नहीं होती, बट एक वो जश्न मनाते हैं, वो इतना खुश होते हैं उस दिन की बहुत ज़्यादा धूमधाम से जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो सारे सभी उसी बहाने गैदर भी होते हैं, बैलों को भी जो है खेत से थोड़ा काम करने से फुर्सत मिल जाती है, आराम मिल जाता है। और फिर जो लेडीज लोग भी जो है, तो जैसे हम दिवाली में सारा सब करते हैं, वैसे विलेजेस में जो है बैल पोला वाले दिन पूरा हार वगैरह लगाते हैं दरवाजे पे, उनकी बहुत अच्छे से बैलों की पूजा करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सारा सब पूरा अच्छे से उनका बैलों का श्रृंगार करते हैं, उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा नैवेद्य देते हैं, जो भी है स्पेशल, जो मतलब नॉर्मल से अलग थोड़ा सा, मतलब लेंटिल्स हो गया, अच्छी घास हो गई वगैरह, ये सारा सब जो है उस दिन उनको खिलाते हैं। तो उस दिन जो है बैल पोला के दिन बैलों को जो है वो पूरा आराम होता है, उनका बड़ा अच्छे से सम्मान करा जाता है। और जो ये फार्मर्स लोग होते हैं, ये ऐसे नहीं कि बैल जो है वो उनके लिए काम करते हैं इसलिए वो उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उनको सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब फार्मर्स बैल गाय वगैरह जो भी एनिमल्स जैसे भी अपने इसमें घर में पालते हैं, तो फाइनली वो जो है उनके एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द बैल पोला वाले दिन, फेस्टिवल के दिन का। चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि पूजा कैसे होती है। ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बिकॉज हम गए थे नीचे, यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी बारिश भी हो रहा है, तो जो फूलों के दुकान है वगैरह वो सारा सब कुछ बंद है। तो फ्लावर्स जो है, मतलब मेरे प्लांट्स को भी एक भी फ्लावर आज नहीं आया है, तो वो मैं नहीं चढ़ा पा रही हूँ आज। तो सिंपल जो है उनको हल्दी कुमकुम वगैरह लगाऊंगी, नैवेद्य दिखाऊंगी, एंड दैट्स इट। तो चलिए करते हैं पूजा। फ्रेंड्स, पूजा के टाइम में जो है वो इस तरह से मैंने ये अभी दो बैल रखे हुए हैं, प्लेट सजाई हुई है और नैवेद्य दिखाया है। बट जिनके पास, ऑब्वियसली फार्मर्स के पास बैल होते हैं रियल वाले, वो उन्हीं की पूजा करते हैं, और जिनके पास नहीं होते हैं तो फिर वो ऐसे खरीद के जो है उनकी पूजा करते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ही बैल रखे हैं, बट ऐसा नहीं है, अगर आपके पास इससे ज्यादा है, आपके पास ओल्ड बैल भी है, तो फिर आप उनको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो बैलों की जोड़ी का तो महत्व है ही, लेकिन आप अगर चाहे तो 5 बैल, 7 बैल, 11 बैल वगैरह ऐसे भी रख सकते हैं। अगर 4 बैल रख रहे हो तो उसके बीच में एक गाय का होना जरूरी है। तो मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं पता, बट मैंने सुना है कि मतलब 4 बैल अगर आप रखते हो तो बीच में एक गाय होनी चाहिए, तो ऐसे वो टोटल 5 हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने घर पे अभी यहाँ पर पूजा करी है, नैवेद्य वगैरह पूरा दिखा दिया है। आज पूरन पोली का नैवेद्य को बहुत ज्यादा महत्व होता है, बट हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो पूरन पोली नहीं तो हम पूरी बना सकते हैं, हमने पूरी खीर बनाई है, वड़े बनाए हैं, पकौड़े हैं, दाल चावल पापड़ वगैरह वो सब। बैल पोला एक्चुअली किसानों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसान बैलों को देव तुल्य मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और बहुत बार जो है ये एक्चुअली कृषि आधारित पर्व भी है, क्योंकि इस पर्व का मतलब है खेती किसानी, जैसे निंदाई रोपाई वगैरह आदि का भी कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो किसान लोग जो है वो इस समय पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो भी हम लोगों ने बोया है, जो भी अभी सीड्स डाले हैं, तो अच्छी बारिश हो, अच्छे फसल उगे।
चलिए फ्रेंड्स, अब नैवेद्य में हमने जो वड़ा रखा है उसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो उड़द दाल का खानदेशी वड़ा है। तो सबसे पहले खानदेशी वड़े बनाने के लिए हमें लगेगी 1/2 kg उड़द की दाल। तो ये देखिए, यहाँ पे उड़द की दाल मैंने ली है जो हमने काफी पहले भिगो के रखी थी। तो 4 to 5 hours पहले जो है इस दाल को आपको भिगो के रखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दाल है ये व्हाइट वाली दाल नहीं है, ये छिलके वाली उड़द की दाल है। तो व्हाइट वाली दाल नहीं लेनी है इस वड़ों के लिए, जो है वो स्पेशली हमें छिलके वाली उड़द की दाल ही चाहिए, क्योंकि व्हाइट लेंगे तो वो ज्यादा, मतलब जो मेदू वड़ा का प्रोसेस होता है उसमें वो चला जाएगा। तो ये वड़े थोड़े से डिफरेंट है मेदू वड़ा से। ऑब्वियसली टेस्ट में थोड़ा मतलब सेम लगता है, बट स्टिल इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, और थोड़ी प्रोसीजर भी अलग है। तो 4 से 5 घंटे तक इसे भिगो के रखिए। देखिए अभी ये कैसी फूल गई है, और भिगोने से क्या हो जाता है कि दाल भी फूल जाती है, प्लस इसके छिलटे जो है वो काफी नरम पड़ जाते हैं, और धोते टाइम जो है वो इजीली निकलने लगते हैं इसके कवर। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से जो कवर है इसको पूरा हमें अभी निकालना पड़ेगा। तो चलिए आप अच्छे से दाल को जो है हम क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रोसेस थोड़ी मेहनत वाली है। इसको बहुत अच्छे से क्लीन करके जो है आपको दाल को अच्छे से उसके जो कवर है वो निकालने पड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरी दाल को जो है हाथ में लेके आपको घिसना पड़ता है, और फिर इस तरह से उसके कवर निकलते हैं। आप सेम वाटर भी यूज कर सकते हैं दाल धोने के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस में जो है बहुत ज्यादा पानी लगता है, जब तक कि मतलब पूरे कवर ना निकल जाए तब तक इसे धोना पड़ता है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट दाल का जो कवर है वो यहाँ पे निकल चुका है। ये वेस्ट नहीं जाता, अगर कोई गाय वगैरह है उसको आप खिला सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों की दाल धुल गई है, आप देख सकते हैं काफी सारा जो दाल का कवर है वो निकल गया है। और ये आप प्रोसेस एक बार देख ले कि ये दाल को जो है हमें कैसे ट्रांसफर करना है, क्योंकि बहुत बार इसमें स्टोन्स भी होते हैं। तो इस तरह से जब हम दाल को निकालते हैं दूसरे वेसल में, तो अगर कुछ स्टोन वगैरह हो तो वो नीचे रह जाता है। ओके, सो नाउ इट्स कम्प्लीटली क्लीन्ड। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो पूरा दाल का ब्लैक कलर का कवर था वो निकल गया है। इसको अभी और क्लीन वाटर से हम एक बार धो लेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी दाल वाले पेस्ट में हमें क्या डालना है। तो ये 2 tablespoons ऑफ नमक ले लिया है, 18 टू 20 ग्रीन चिली ले ली है हम लोगों ने। ये देखिए ये tablespoon का मेजर लिया है हम लोगों ने सॉल्ट के लिए। और फिर उसके बाद जो है हमने लिए हैं कुछ 4-5 टुकड़े अदरक के, 10-12 petals ऑफ गार्लिक, 1 tablespoon ऑफ जीरा, 1 tablespoon ऑफ सौंफ, और थोड़ा आधा कटा हुआ धनिया और सिंपल धनिया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, दाल को मिक्सी में डाल के जो है उसका अच्छा खासा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये दाल चिपकती है, तो हमें इसको बार बार ओपन करके जो है वो चेक करना पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 से 3 बार एक गो में जब हम दाल को घुमाते हैं तो इस तरह से उसका स्मूथ पेस्ट बन जाता है। अब पूरी दाल की पेस्ट होने के बाद हम लोगों ने जो भी इंग्रेडिएंट्स प्लेट में निकाल के रखे थे वो इकट्ठे हम लोग मिक्सी में डालेंगे, और उसको भी अच्छे से ग्राइंड करके उसका भी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चलिए ग्रीन चिली पेस्ट रेडी है। तो दाल वाले पेस्ट में और ये ग्रीन चिली पेस्ट, ये दोनों को हम लोग जो है इकट्ठा मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथों से अभी हमें मिक्स करना पड़ेगा। चिली पेस्ट डालने के बाद इसको घुमाने से पहले 1/2 tablespoon उसमें हल्दी जरूर डाल देना, तो ताकि उसे टेस्ट और कलर दोनों ही आ जाता है। अब ये आप थोड़ा सा प्रोसेस देख लीजिए कि हम लोग जो है इस मिक्सचर को किस तरह से घुमा रहे हैं, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे केक के लिए वगैरह हम लोग कोई और बैटर होता है तो उसको हम गोल गोल घुमाते हैं, राइट? बट इसको आप देख लो, उसको गोल नहीं घुमाना है हमें, इसको इस तरह से आप उसको अच्छे से घुमा लीजिए।
ये करीबन आपको 15 टू 20 मिनट्स कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि जो है इक्वली दोनों मिक्सचर मिक्स हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों का जो वड़ों का पेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अभी इसको जो है हम ढक के रख देंगे। अगर आप चाहे तो तभी के तभी इसको बना सकते हो कुछ टाइम में, या फिर आप फ्रीज में रख के उसको बाद में भी बना सकते हैं। अब इसे बनाने की प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पेस्ट है वो बहुत थिन हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का पेपर रखना है नीचे, या तो फिर आप कॉटन का छोटा सा नैपकिन भी ले सकते हैं। एक साइड में आपको पानी ले लेना है और इस तरह से जो है वो एकदम हल्के हाथों से इसको ऐसे घुमाना है। उसमें बीच में आपने एक छेद करना है और फिर अभी आप देख सकते हैं कि कैसे वो जो है तेल में डलेगा। कढ़ाई में जो है तेल ऑलरेडी आप अच्छे से गरम करके रख दीजिए, ताकि जो है हमारे वड़े जो है वो कच्चे ना रहे और प्रॉपर तल जाए। जब तक के वड़े गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इन्हें नहीं निकालना। ये काफी अच्छे क्रिस्पी लगते हैं। अगर आप चाहे तो मोटा भी थोड़ा बना सकते हैं, बट ये वड़े मेरे एक्सपीरियंस से जो है पतले अगर आप बना के उसका वड़े बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। इसका जो पेस्ट हमने बना के रखा है ये काफी दिन तक चलता है। आप उसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, और जितना वो पुराना हो जाएगा पेस्ट उतना ही ज्यादा वड़े जो है अच्छे लगते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह से जो है हम लोगों ने हमारा पोला का सेलिब्रेशन करा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं जल्द ही।